Good morning, student. Myself Prashant Saini, lecturer GPC ALWAR. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट ट्रांसफार्मर. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, CT एंड PT, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. आज हम इसके CT के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. CT का जो बेसिक सर्किट डायग्राम है वो है सामने दिया हुआ है, जिसमें IP इज़ द मेन करंट फ्लोइंग, प्राइमरी करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन प्राइमरी कंडक्टर, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि होलो कोर पर लिपटी हुई है, ठीक है, इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ज़्यादा टर्न होते हैं देन प्राइमरी के बजाय ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी में टर्न, ठीक है, और अमीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द CT इज यूज्ड विद द प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन द सीरीज विद द लाइन कैरिंग करंट टू बी मेजर, ठीक है. तो CT हमारे पास हमें कहाँ यूज़ की जाती है, सीरीज में की जाती है लाइन के, ठीक है, जहाँ पर हमको करंट मेजर करना हो, ठीक है. प्राइमरी जो है CT की, करंट ट्रांसफार्मर की, वो फ्यू टर्न्स कंसिस्ट करती है, ठीक है, यानी कि उसमें टर्न्स ज़्यादा नहीं होते हैं. सेकेंडरी जो होती है उसमें लार्जर टर्न होते हैं, ठीक है. अमीटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल. अमीटर जो भी है, अमीटर कहाँ कनेक्ट होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट होगा, ठीक है, और वो क्या है कि अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है कहाँ पे, नियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी जो है इसकी शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे ही ऑपरेट करती है एक तरह से अगर देखा जाए तो. क्यों? क्योंकि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है, कम होता है, ठीक है. सिंबल जो है सर CT का वो ये है सिंबल, दिस इज़ द सिंबल, ठीक है. इसमें IP इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द बार, ठीक है, बार प्राइमरी, और IS इज़ द सेकेंडरी करंट, ठीक है. टर्न रेशो की बात करते हैं तो हम टर्न रेशो क्या होता है CT का, टर्न रेशो CT जो है वो है नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, ठीक है. टाइप्स ऑफ CTs आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, वाउंड टाइप CT होती है, क्या होती है, बार टाइप CT होती है. तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ मोर देन वन टर्न बाउंडेड ऑन द कोर, ठीक है. वाउंड टाइप CT में क्या होता है कि एक कोर पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है और वन और मोर टर्न, मोर देन वन टर्न कहाँ बाउंड की जाती है, कोर पे बाउंड, इसलिए हमने इसको बाउंड टाइप CT बोला है. अगर प्राइमरी वाइंडिंग एक बार टाइप कंसिस्ट करता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, बार टाइप है, यानी एक बार है, रोड है, छड़ है, ठीक है, तो एक सूटेबल साइज ऑफ मटेरियल है फॉर्मिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो उस टाइप CT को क्या बोलते हैं, बार टाइप CT बोलते हैं. तो ये हमारे पास जो CT है एक तरह से बार टाइप CT बोल सकते हैं इसको, ठीक है. CT का अगर देखें तो दिस इज द CT, और यहाँ पे हमने इसको एक तरह से सिंबल से डिनोट कर दिया है, दिस इज द CT, ठीक है. तो CT में ये तो क्या हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग. सेकेंडरी वाइंडिंग में देखें तो ये अमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें ये सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है, ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट है. लोड कहाँ कनेक्टेड है, प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है. तो दिस इज़ द हाई पावर सर्किट, ये हमारे पास लो पावर सर्किट है, और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, क्या है, करंट को मेजर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मेजरिंग CT बोला है. एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हाई पावर सर्किट को लो पावर सर्किट से आइसोलेट करती है. ये हमारे पास वाट मीटर है, वाट मीटर की दो कोयल है, एक करंट कोयल, एक क्या है, पोटेंशियल कोयल. ये पोटेंशियल कोयल पोटेंशियल सर्किट में जा रही है, और करंट कोयल को हमने इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो ये वाट मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये पोटेंशियल सर्किट है, वोल्ट मीटर में जा रही है, ठीक है. इसमें अगर हम देखें तो दिस इज़ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ CT. अब अगर हम देखते हैं तो इसमें दो इम्पोर्टेंट सर्किट होते हैं, एक तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ CT, और एक हमारे पास हमको फेजर डायग्राम इसका देखना पड़ेगा, ठीक है. तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ CT ये इम्पोर्टेंट है, अगर हमको इसकी एनालिसिस करना है, इसका यदि हमको CT रेशो निकालना है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो बेसिक जो ट्रांसफार्मर है जो हम मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वो इस तरीके से होता है, CT का भी सेम ही होगा. बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ होगा कि देखिए, ये हमारे पास टर्म्स होंगे वो NP होंगे, ये कम होंगे, और ये क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो देखिए, ये RP है, RP क्या है, देखिए
दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये प्राइमरी सर्किट है, ये क्या है सेकेंडरी सर्किट, यहाँ पे हमने बर्डन लगा रखा है, ठीक है, ये बर्डन है एक्सटर्नल बर्डन आर ई एक्स सी, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बर्डन, ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बर्डन, ये रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, ये क्या है रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, आई एस इज द सेकेंडरी करंट, ई एस इज द इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, वी एस इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ये प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज से प्राइमरी करंट गई, ठीक है, प्राइमरी करंट, ठीक है, आर पी इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, एक्स पी इज द रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो सर्किट है ये क्या कहलाएगा, दिस इज द बेसिक सर्किट जिसमें यानी कि एक मैगन ये एक्साइटिंग करंट है, एक्साइटिंग करंट को हमारे पास दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्या है ये मैग्नेटाइजिंग करंट और एक ये क्या हो जाएगा लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, ये हमारे पास इंड्यूस प्राइमरी वोल्टेज है, इसमें एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी, ये क्या है फाइव म्यूचुअल फ्लक्स, तो दिस ये हमारे पास हमने पूरा डाटा लिया है जिसमें यानी कि हमने बताया गया है कि आर एस एक्स एक्स क्या है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, आर इज द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल बर्डन, ठीक है, एक्सटर्नल बर्डन में क्या जाएगा रिएक्टेंस ऑफ द मीटर्स, ठीक है, करंट कोइल्स इंक्लूडिंग लीड्स, यानी लीड्स का भी जो है रेजिस्टेंस इसमें हम लेते हैं, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज ई पी, ई एस इज द सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग, एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, आई पी है प्राइमरी वाइंडिंग करंट, आई एस सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, आई जीरो इज द एक्साइटिंग करंट जिसमें दो कंपोनेंट है, एक तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा लॉस कंपोनेंट, ठीक है, अब हमारे पास हम बात करते हैं कुछ एंगल्स हैं जो कि क्या होगा फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, डेल्टा जो थीटा है फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर, फाई इज द वर्किंग फ्लक्स, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन ई एस एंड आई एस, यानी ई एस ये है, ठीक है, और आई एस ये है, ई एस इज द सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, आई एस इज द सेकेंडरी करंट, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स एस एक्स प्लस एक्स ई आर एस प्लस आर ई, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा। फेज एंगल ऑफ सेकेंडरी सर्किट की अगर बात करें तो फेज एंगल ऑफ सेकेंडरी सर्किट क्या हो जाएगा, देखिए तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, ये दिस इज द सेकेंडरी सर्किट, तो एक्स सी डिवाइडेड बाई आर ई इज द टेन इनवर्स एक्स सी डिवाइडेड बाई आर ई इज द फेज एंगल ऑफ द सेकेंडरी लोड सर्किट, एल्फा इज द फेज एंगल बिटवीन आई जीरो एंड फाई, ये हम फेजर डायग्राम से देखेंगे, ठीक है, तो फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम ऑफ सी टी में अगर देखें तो सी टी का देखो फेजर डायग्राम क्या है, ये दिस इज द एक्साइटिंग करंट, एक्साइटिंग करंट जो है ये वर्किंग फ्लक्स है, ठीक है, दिस इज द वर्किंग फ्लक्स, ठीक है, तो वर्किंग फ्लक्स जो और एक्साइटिंग करंट के बीच में एंगल क्या है अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्साइटिंग करंट एंड वर्किंग फ्लक्स, तो हमने इसको अल्फा से डिनोट कर दिया एंगल को, अब ये आई जीरो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक क्या हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि वर्किंग फ्लक्स के पैरेलल में है, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, जिसमें यानी कि हिस्टेरेसिस लॉसेस और जो आयरन लॉसेस है वो हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया बात हमारे पास आई जीरो की, ठीक है, अब देखिए आई जीरो और क्या होगा आई जीरो और एन आई एस, ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है टर्न, तो आई पी की अगर बात करें तो आई पी इक्वल टू क्या होगा, ये अगर बात करें आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई एस, ठीक है, ठीक है, तो एन आई एस प्लस आई जीरो क्या हो जाएगा आई पी हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो करंट है इसमें ये वाला जो करंट सॉरी इसमें देखना यहाँ पे जो करंट है आई एस है और यहाँ पे जो करंट क्या हो जाएगा एन आई एस, ठीक है, तो एन आई एस प्लस आई जीरो इज द आई पी करंट, अगर ये कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, आई जीरो कंपोनेंट नहीं होता तो आई पी की वैल्यू अगर हम देखें तो आई पी इक्वल टू क्या हो जाता एन आई एस हो जाता, लेकिन आई पी की वैल्यू अब क्या होगी एन आई एस प्लस आई जीरो, ठीक है, तो एन आई एस प्लस आई जीरो, तो सबसे पहले हमारे पास हमने देखा कि ई एस इज द सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, ठीक है, ई एस इज द सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, तो आई एस जो होगा वो क्या होगा सेकेंडरी करंट, जिसमें डेल्टा इज द एंगल, डेल्टा हमने ये वाला एंगल बताया था, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन ई एस एंड आई एस, मैंने बताया था ई एस एंड आई एस के बीच में डेल्टा एंगल है, ठीक है, तो आई एस की अगर ये
फेजर है, ये वेक्टर है, तो एन आई एस का क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एन आई एस हो गया, ठीक है। एन आई एस और आई ज़ीरो दोनों मिला के क्या बन रहा है, आई पी बन रहा है। मैंने बताया था आई पी इज़ द प्राइमरी करंट, क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग करंट प्लस एन आई एस, ठीक है। एन आई एस दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया मैंने, आई पी बना दिया, तो ये आई पी हो गया, प्राइमरी करंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक यानी कि फेजर डायग्राम। अब बात करते हैं हम ई एस, जो सेकेंड इंड्यूस वोल्टेज है, तो सेकेंड इंड्यूस वोल्टेज है वो देखिए, ये सेकेंड इंड्यूस वोल्टेज है, ठीक है। अगर इस वोल्टेज में ये वाला रेजिस्टेंस, ये जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में अगर आई एस, ये जो ड्रॉप है आई एस इंटू आर एस और आई एस इंटू एक्स एक्स जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास ई एस बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई एस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो देखिए आई एस और वी एस के बीच में एंगल कितना बताया था मैंने, ये डेल्टा, डेल्टा इज द एंगल, फेज एंगल ऑफ द सेकेंडरी लोड सर्किट। तो फेज एंगल ऑफ सेकेंडरी लोड सर्किट है, ये एंगल क्या है, डेल्टा है, ये हमारे पास क्या है, लैगिंग है, ये एंगल कौन सा है, लैगिंग लिया है, लीडिंग होता तो ये कहाँ आता, इधर आता, ठीक है। तो वी एस इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, आई एस इज द सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो वी एस और आई एस के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा। अब ये वी एस में हमने क्या जोड़ दिया, आई एस इंटू आर एस, इसके पैरेलल में हमने लिया, और ये ड्रॉप आई एस इंटू आर एस, आई एस के पैरेलल में लेंगे, ये ध्यान रखना, आई एस के पैरेलल में ये ड्रॉप ऐड होगा, आई एस इंटू आर एस, ये तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव ड्रॉप, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये जो ड्रॉप होगा ये क्या कहलाएगा, आई एस इंटू एस एक्स, तो ये क्या ड्रॉप होगा, रिएक्टेंस ड्रॉप, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, ई एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज। तो दिस इज द बेसिक फेजर डायग्राम ऑफ द सी टी। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।